बाबा का एक होर्डिंग लगा है जो कहते हैं यहाँ अस्पताल के अंदर माफियाओं की संपत्ति कितने के कुर्क की दिखाते हैं। अस्पताल के अंदर दवा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, बेड चाहिए, इलाज चाहिए, माफिया को क्या करेंगे लोग। अब बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत के आने वाले हैं। इस बैलेट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकेगी नहीं। सीतापुर में नगर पालिका चुनाव को लेकर आप देख सकते हैं सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी क्रम में आज सपा के जो पूर्व विधायक हैं राकेश राठौर, वो अपनी पत्नी के लिए सपा से टिकट की दावेदारी किए हैं, उसको लेकर आज जनसंपर्क कर रहे हैं शहर के दुर्गापुरवा मोहल्ले में। आप देख सकते हैं इनके पीछे किस तरह से सैकड़ों की भीड़ है, समर्थक हैं, और या दुर्गापुरवा में अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। या मोहल्ला है नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु का, उसी मोहल्ले में आज पूर्व विधायक जो सपा के हैं राकेश राठौर जी जनसंपर्क कर रहे हैं। हम विधायक जी से बातचीत करेंगे कि आज जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या है आज जनसंपर्क का मोहल्ला? ये हम लोग वार्ड बाई वार्ड लगभग एक महीने से नगर का भ्रमण कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और हमारे नेतृत्व का जो संदेश है वो लोगों के दरवाजे तक पहुंचाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, और अपार जन समर्थन हासिल है लोगों को, हजारों की तादाद में लोग घर से निकलते हैं। ये भाजपा से त्रस्त लोग आज समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। नगर विकास राजमंत्री का यह मोहल्ला है, क्या आपने मथापुरे मोहल्ले को क्या विकास हुए? शून्य, डबल शून्य, पूरी तरीके से ध्वस्त है। और यही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश भर में विकास की सिर्फ बयानबाजी है और विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। क्या लगता है नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या कैसा अपना दिखा पाएगी जलवा? नगर निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है और बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मतों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत के आने वाले हैं। ये बैलेट का चुनाव है, ईवीएम का नहीं, ये बैलेट का चुनाव है, और इस बैलेट के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकेगी नहीं। आप जब विधायक थे तो ट्रामा सेंटर का जब अभी शुभारंभ नहीं हो पाया, आप विधायक थे, आपने कई बार प्रयास किया लेकिन सीतापुर को ट्रामा सेंटर की सुविधाएं नहीं मिल सकें। मेरा 5 साल हमने सरकार के खिलाफ इन्हीं मुद्दों को लेकर, लोगों को मुद्दों को लेकर संघर्ष किया है। ये सिर्फ बयानबाजी है, अस्पताल के अंदर दुर्व्यवस्था है, मरीज के लिए बेड नहीं है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है, होर्डिंग लगा है, बाबा का एक होर्डिंग लगा है जो कहते हैं यहाँ अस्पताल के अंदर माफियाओं की संपत्ति कितने के कुर्क की दिखाते हैं। अस्पताल के अंदर दवा चाहिए, डॉक्टर चाहिए, बेड चाहिए, इलाज चाहिए, माफिया को क्या करेंगे लोग। तो यह गलत बयानबाजी और लोगों का भ्रम की स्थिति पैदा करके सिर्फ वोटों का हथियाने का काम करते हैं, जो आप बेनकाब हो चुके हैं। सीतापुर के नगर विकास राजमंत्री हैं राकेश राठौर गुरु, आपने पूरे शहर को भ्रमण किया है, नगर विकास नगर का क्या हाल है? ये आप देख लीजिए, शून्य, कूड़ों के ढेर लगे हैं, नालियाँ बजबजा रही हैं, सड़कें टूटी हैं, अब क्या बताऊं, तो विकास कैसा है ये तो आपको दिख जाएगा। पता नहीं आता, पता नहीं लोगों का है, लोगों के दरवाजे बंद हैं और जनता त्राई त्राई कर रही, मारी मारी घूम रही। महंगाई है? महंगाई चरम पे आज लोगों का जीना मुहाल है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोगों को, अपने महिलाओं को अपनी गृहस्थी चलाना मुश्किल है। रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत, तेल की कीमत, तमाम चीज़ें जो आसमान छू रहे हैं, और मध्यम वर्गीय लोगों को, सामान्य लोगों को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा। आपने अपनी पत्नी के नाम आवेदन किया है, क्या लगता है समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है हम लोगों के साथ, वो जो करेंगे वो ठीक है, सहर्ष स्वीकार है। थैंक यू। तो ये थे पूर्व विधायक राकेश राठौर जो जनसंपर्क कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके साथ भीड़ है और समर्थक में उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है, उसी को लेकर शहर के दुर्गापुरवा में इनका जनसंपर्क चल रहा है। समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं उनको बताने का यह काम कर रहे हैं। आने वाले नगर पालिका चुनाव में परिणाम देखने को मिल जाएंगे, अगर पार्टी इन्हें टिकट देगी तो यह पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपनी पत्नी को जिताकर नगर पालिका जो सीतापुर का है विकास करेंगे। इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर।
चुनावी सफर में हिचकोले खा रही निकाय की नैया, वोटर बनेंगे आखिर किसके खेवैया। बच चुका है चुनाव का बिगुल, तय हो चुकी है उम्मीदवारों की दावेदारी, लाखों की आवाम चुनेगी शहर की सरकार, किसके सिर सजेगा जीत का ताज। खूब हो रहे चुनावी वादे, नेताजी जा रहे वोटरों के द्वारे। 6 नगरपालिका 5 नगर पंचायतों का होगा फैसला, चेयरमैन पार्षदों की तय होगी तकदीर। निकाय चुनाव का महाकवरेज लेकर आ रहा है आई इंडिया, निकाय की नैया में देखे वोटरों की पसंद। शहर की सरकार में जानेंगे निकायों का हाल, वार्डों से लेकर निकायों तक होगा सबसे सटीक विश्लेषण। तो हर रोज देखते रहिए सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आई इंडिया। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ, कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया।